से वहां नित्यानंद के सभी साथी सभी दल के साथी ने तय किया है कि वहां नित्यानंद के कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हो। महागठबंधन की बड़ी बैठक चल रही थी, दो घंटे के मंथन के बाद ये बैठक समाप्त हुई है और इस बैठक में सभी घटक दल के नेता मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, तमाम लोग बैठक खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके बाद उन्होंने बताया कि आने वाले 12 तारीख को तो बड़ी बैठक होगी ही, लेकिन आने वाले 15 तारीख को प्रखंड स्तर पर पूरा महागठबंधन जो है वो प्रदर्शन करेगा। इतना ही नहीं, कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी गठन किया जाएगा और उसके बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी की गठन के बाद जो है वो तमाम लोग जो है, जिस प्रकार से अगर जिला की बात करें कि जिला के स्तर पर भी जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो है गठन किया जाएगा और उसके साथ बैठक किया जाएगा, उसमें महागठबंधन का जो मुद्दा है, केंद्र सरकार को जो घेरा जाएगा, इन तमाम विषयों को लेकर हर जगह पर बैठक करने की ज़रूरत है। उमेश कुशवाहा जो कि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। महागठबंधन की बैठक राजद के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में हुई, जिसमें महागठबंधन के सभी साथी सभी घटक दल के साथी ने तय किया है कि महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हो राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर। और जो भाजपा के जो 9 साल का विफलता है, उस विफलता जो विभिन्न मुद्दा आया है, जाति गणना, महंगाई, बेरोजगारी, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, किसानों की आय दुगनी, नुमाद उत्पाद की राजनीति नहीं चलेगी, दलित गरीबों की आवास एवं खाद्यान्न योजना बंद करने की साजिश, इन सारी मुद्दा को लेकर महागठबंधन में 15 जून को प्रखंड स्तर प्रखंड कार्यालय के परिषद में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम करने का महागठबंधन ने निर्णय लिया। आप जानते हैं गरीबों को मिलने वाली जो जाति गणना है, जिससे गरीब को जो फायदा मिलने वाले हैं, जिसको भाजपा रोकना चाहती है, और जो महंगाई है, जो 24 रुपया पेट्रोल पर, 34 रुपया डीजल पर मोदी सरकार ने प्रति लीटर बढ़ा दिया, और मोदी सरकार की पहले जो रसोई घर, ये रसोई गैस जो सिलेंडर है, उसकी कीमत मात्र 412 रुपया जो थी वो आज 1200 रुपया हो गई। तो महंगाई की जो मार हम लोग जो झेल रहे हैं, जनता झेल रही है, उसको लेकर जो आटे में, जो आटे की जो कीमत थी उसमें 52% की बढ़ोतरी, चावल में